यार दिन हो चुका है चालू और एक लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट है सभी बच्चों की कि सर आप एक बार अपना स्टूडियो टूर करवा दीजिए। तो मैंने सोचा आज क्यों ना ये व्लॉग नंबर 2 के अंदर आप लोगों को अपने होम स्टूडियो का एक टूर करवाया जाए। लेकिन ये होम स्टूडियो का टूर करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो है ये यार क्या है एक्चुअली आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा क्लोजली। सो ये बेसिकली मेरी नानी जी के हैंड्स की कास्टिंग है। तो जब वो थे हमारे बीच में तो अब तभी हम लोगों ने क्या कर लिया था, उनकी हैंड्स की कास्टिंग ले ली थी। कास्टिंग का मतलब होता है कि उनके हैंड्स के इंप्रेशंस लेना, जैसे वैक्स म्यूजियम में स्टैचूज वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस तरीके से वो हमने इंप्रेशन ले लिया था। तो वो इंप्रेशन लेने की वजह से आज उनके हाथ हम लोगों के साथ हैं। लव यू नानी। तो यार दैट्स हाउ इट इज़, वी ऑलवेज मिस हर, ये बात तो फैक्ट है। वो वापस नहीं आ सकते बट ये छोटी छोटी चीज़ें उनकी हमारे साथ हमेशा रह सकती है। दिन हो चुका है चालू मेरा और मैंने कहा कि क्यों ना आपको अपने होम स्टूडियो का टूर करवाया जाए, और ये है मेरे स्टूडियो का डोर। सो आइए मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको अंदर लेके चलता हूँ। तैयार हो? Yes, so here it's full of light and very very bright. ये है मेरा स्टूडियो। Yes, my dear friends, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ पे कौन है? Yes, यहाँ पे है मेरी नानी। तो एंटर होते ही she's there to bless me with all her blessings. She's always there. Love you, नानी। So यहाँ पे नानी जी है। उसके बाद में यार ये स्वाति मैम ने एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया था बर्थडे पे। So एक मिनिएचर दिया था। मेरी कुछ बुक्स जो मैंने लिखी हुई है वो यहाँ पे पड़ी है, और कुछ अनअकैडमी की ट्रॉफी, और ये गेम एक टिक टैक टो गेम आप बचपन में खेलते होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो अगर मेरा स्टूडियो में आप देखेंगे तो एंटर होते ही एक बड़ा सा वार्डरोब है। ये जो वार्डरोब है दिस इज बेसिकली, स्वाति मैम ने मुझे एक तरीके से घर से निकाल दिया, मुझे कहा कि भाई ये रूम घर का सबसे बड़ा रूम, आप हड़प के बैठ गए स्टूडियो के लिए। एक काम करो, अपने कपड़े भी जो है ना उसके अंदर डाल दो, और बाहर आने की जरूरत नहीं है, खाना भी आपको यहीं मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो वार्डरोब है ये मैं अपने क्लोथ्स के लिए यूज करता हूँ, और जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब इसमें यूज होता है। सो वैसे मेरा कोई प्लान नहीं आपको ये दिखाने का, बिकॉज़ इट्स टोटली मेस्ड अप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सो देयर इज अ वॉशरूम एंड अ मेकअप रूम काइंड ऑफ थिंग ओवर देयर। तो वहां पे हम लोग रेडी होते हैं। ये एक मेरा छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि कुछ पेंडिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे जनरली लिखता हूँ कि व्हाट आर माय टू डूज फॉर द डे। चल झूठा। सो यस गाइज, ये वो मेरी डेस्क है जिस पे मैं बैठ के आपकी क्लासेस लेता हूँ, मैं लेता हूँ, स्वाति मैम लेते हैं। सो दिस इज द चेयर, माइक्रोफोन, और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आई यूज मल्टीपल लैपटॉप्स ओवर हियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल लैपटॉप्स। सो दिस इज द मैकबुक प्रो 2021 विच इज जनरली यूज फॉर द ऑफिस वर्क। दिस इज द ब्यूटी एंड द बीस्ट लेनोवो लेजेंड। यार इसका कोई मुकाबला नहीं है, सच बता रहा हूँ, इसका कोई मुकाबला नहीं है जो। और इस पे आप ये देखेंगे ना, ये माउंटेड, ये लॉजिटेक का ब्रियो 4K कैमरा है। सो अब ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि यार आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी देनी है, करेक्ट? यार प्लांट्स ऑलवेज हेल्प्स यू टू कीप यू रिफ्रेश्ड, ये चेक कर लीजिएगा। प्लांट्स ना हमेशा आपको बहुत मदद करते हैं आपको रिफ्रेश रखने में, चाहे कितने भी अप्स और डाउन्स लाइफ में क्यों ना हो, प्लांट्स आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। प्लांट्स आपको हमेशा फ्रेशनेस की फीलिंग देते हैं। सो आई हैव अ डेस्क प्लांट, वन ऑफ द अनदर फोन, कैलकुलेटर, एयरपॉड्स, ये सब बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं। देन दिस इज माई लव, माई अनदर लैपटॉप लेनोवो सर्फेस, नहीं माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस यार इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। तो बेसिकली ये मेरा डेटा बैंक होता है, इसमें मैं सारा अपना डेटा मेंटेन रखता हूँ। दिस इज द कैमरा, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द कैमरा, एंड इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड, करेक्ट? तो ये वाला जो स्टूडियो, मैं आप लोगों को बता दूं, ये अनअकैडमी के ऑफिस से बहुत बड़ा स्टूडियो है। अनअकैडमी का जो ऑफिस का स्टूडियो है वो तब काम आता है जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम घर में रहते हैं तो ये स्टूडियो काम आता है। सो दोस्तों ये है स्मार्ट बोर्ड जिसके थ्रू हम लोग आपको लाइव यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अब इतने दिनों, लास्ट कुछ महीनों में मेरे पांव का प्रॉब्लम था, अभी भी है, पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ा रहा था। नहीं तो ये यार सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो स्मार्ट बोर्ड इज बेसिकली अ टच सेंसिटिव इंटरैक्टिव पैनल, एक टेलीविजन की तरह होता है। सो यहाँ पे पॉइंट ये अराइज होता है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, आपको कोई बात नहीं, मैं टर्न करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे उसके सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग लाइव जाते हैं। सो दिस कैमरा इज बेसिकली अ 4K कैमरा विच हेल्प्स अस टू कैप्चर
हमको भी कैप्चर करता है, स्मार्ट बोर्ड को भी कैप्चर करता है, और फिर यहाँ पे ये सारे डिवाइसेस जो रखे हैं, इन डिवाइसेस के थ्रू हम लोग लाइव जाते हैं। तो ये डिवाइसेस अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है ब्लैक मैजिक कार्ड, विच इज अ एनकोडर। ये एक तरीके से कैमरा से जो डेटा रिसीव होता है उसको एनकोड करता है, एनकोड करके वो उसको इस लैपटॉप में ट्रांसमिट करता है। ये एक बीस्ट है, HP का लैपटॉप है, डेडिकेटेड लैपटॉप है फॉर स्ट्रीमिंग। हम इसको यूज और किसी पर्पज के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको काफी बार लेक्चर्स में भी बताया था कि मेरे घर पे टोटल 4 इंटरनेट कनेक्शन है। ये एक जो इंटरनेट कनेक्शन है एक्ट का, इसको 4 एंटीना मॉडेम है, यहाँ पे 5G का कनेक्शन है। ये डेडिकेटेड कनेक्शन है ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ स्टूडियो। अब यार होता यह है कि पूरा दिन पढ़ाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं ना, हम लोगों को खुद को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। स्पेशली ये जो है ना, ये कॉन्स्टेंटली हम लोगों को मोटिवेट करती रहती है, हर तरीके से हर बार हमें हर चीज याद दिलाती रहती है कि नहीं यार, यू नो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, हर तरीके से आपको अपना बेस्ट देते रहना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और ये हमेशा मुझे मेरे जिम्मेदारी का एहसास दिलाती रहती है दैट मुझे ट्रेनिंग करना है, आई हैव टू डू टीचिंग, ये मेरा जॉब है, रिजल्ट मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फोकस होना चाहिए, एक्सीलेंस, डेवलपमेंट, ड्रीम, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोट्स मुझे याद दिलाते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड कैमरा, 4K कैमरा ऑफ कैनन। दिस कैमरा बेसिकली वर्क्स, यहाँ से ऑडियो रिसीव होता है, और ये सारी बहुत सारी वायरिंग आप यहाँ देख सकते हैं। आई हैव माय गिटार ओवर देयर, सो लेक्चर्स के बीच में पूरा दिन जब बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो सब मैं प्ले करता हूँ। अगर ये सिमरन तुझसे प्यार करती है तो तुझे पलट के जरूर देखेगी। पलट पलट पलट। ये वाला जो फर्नीचर है ना, बहुत टेम्परेरी बना रखा है, जुगाड़ बना रखा है, क्योंकि अभी हम एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। So we really don't know कि how much time we are there in this house. तो हमने सोचा कि why to invest in furniture? Let's not invest too much in furniture and let's do with whatever you have. So that is known as the Indian version known as jugaad, correct? This is business. फिर जुगाड़ हम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया लाइटिंग यहाँ पे होती है, इसको डे लाइट कहते हैं, बहुत ही कूल लाइट होती है, वैसे कहने के लिए कूल है, बट इससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। ये जो लाइट होती है, ये लाइट हमें कंपेंसेशन देती है हर तरीके से, ताकि हम जब आप लोगों को यूट्यूब पे देखें तो प्रॉपर कंपेंसेशन होना चाहिए। काफी बार बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाई आर यू वेयरिंग जैकेट एट ऑल टाइम्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जैकेट एट ऑल टाइम्स पहनने के पीछे बहुत सिंपल कारण है बेटा, क्योंकि इतनी लाइटिंग में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, और इस हीट को कंपेंसेट करने के लिए एसी चलाना पड़ता है एट अ वेरी लोअर टेम्परेचर, और जब ये लोअर टेम्परेचर पे एसी चलाते हैं तो वी आर ससेप्टेबल टू यू नो फॉल सिक। आईटी और आईटी गैजेट के साथ रहा है हमेशा प्यार, और इस प्यार को मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। तो यहाँ मेरे पास है एप्पल आईपैड 11 प्रो, सो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। बेसिकली यहाँ आप देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये कूलर है जो हमने पुणे में लिया था, यहाँ पे बैंगलोर में उसकी खास जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस कूलर को मैं एक पोडियम की तरह, एक स्टैंड की तरह यूज कर रहा हूँ। मजा आया। तो हम जब बेसिकली यहाँ पे पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए दो चॉइसेस होती है, या तो एक हम हमारा फोन हमारे हाथ में रखें जिससे एक हाथ हमेशा एंगेज रहता है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि ये कूलर है ना, अगेन इंडियन जुगाड़, इस कूलर के ऊपर मैंने ये आईपैड रख दिया है, और इस आईपैड को मैं यूज करता हूँ आपके कमेंट पढ़ने के लिए। वैसे ये आईपैड के बहुत सारे यूज है, आई एम ऑल्सो यूजिंग इट फॉर राइटिंग माई डे टू डे टू डूज, ये मैंने आपको काफी बार क्लासेस के अंदर बताया। ओवर देयर यू सी इन माई स्टूडियो देयर इज अ बालकनी ओवर देयर, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। लेक्चर्स के बीच में जब जब भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, सो ये बालकनी बहुत ज्यादा रिजुविनेट करती है। हमेशा बाहर आ जाओ, थोड़ी देर आप देख लो, वहाँ पे आपको रिंग रोड दिखता है, ऑल यू नो बिग ऑफिसेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, बोइंग, एयरबस, इन सब के ऑफिसेस यहाँ पे दिखते हैं। देयर इज अ लेक ओवर देयर जिसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो लेट्स सी टू इट वो किस तरीके से होता है। बट ये बहुत अमेजिंग व्यू मिलता है, सच बता रहा हूँ। अब कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं सवाल के सर ये स्टैंड किस चीज़ का है, स्मार्ट बोर्ड के साइड में एक जो आपको यहाँ स्टैंड दिख रहा होगा ना, ये स्टैंड किस चीज़ का बना हुआ है? Wait a minute. काफी जो सेशंस होते हैं ना, लाइक छोटी सी आशा एंड ऑल, तो ये सभी सेशंस के अंदर हम लोगों को क्रोमा लगाना होता है। क्रोमा का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो दैट ग्रीन स्क्रीन। तो ये ग्रीन स्क्रीन हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं, ये जो स्टैंड बना हुआ है इसके ऊपर लगा देते हैं, और फिर यहाँ से कैमरा से वो कैप्चर करता है, और फिर बैकग्राउंड वगैरह चेंज होता है। सो यू नो व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज टोटली क्रिएटेड, इट इज क्रिएटिविटी।
बट जो एक्चुअली होता है वो चीज बहुत अलग होती है। कहते हैं ना, आप जब दिन भर एक रूम में बैठे रहते हो, एक कमरे में बैठे रहते हो, इतना काम करते हो, तो आपको मोटिवेट रखने के लिए कुछ फैमिली मोमेंट्स चाहिए, और ये है मेरे कुछ फैमिली मोमेंट्स। तो अब ये फैमिली मोमेंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ, ये विवान की पहली ड्रॉइंग है। हाँ जी, तो वो जब बहुत छोटा था, आई थिंक लाइक 2.5 ईयर्स ओल्ड, तो वो स्कूल जाता था, तो स्कूल में उनके ड्रॉइंग्स करवाई जाती थी। तो ये सबसे पहली ड्रॉइंग है विवान की, और ये मैंने अपने साथ आज भी प्रिजर्व करके रखा है। आई रियली वॉन्ट टू कीप इट प्रिजर्व ऑलवेज, बिकॉज ये मुझे हमेशा याद दिलाता है यार कि यू नो पापा आई जस्ट लव यू। सो मैं कहता हूँ वीवी आई ऑल्सो जस्ट लव यू। सो कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स है, मम्मी पापा, मैं और स्वाति, देन आई एंड विवान, देन माई सेल्फ, मी स्वाति, एंड देन ओनली विवान। सो दिस इज रियली, ये आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बहुत पॉजिटिवली ये सारी चीजें एक्ट करती है आपके कॉन्फिडेंस में, आपको फोकस रखने में। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ, एंड डोंट फील बैड अबाउट इट बिकॉज इट इज वेरी मैसी। मैं इतना मैसी नहीं हूँ, बट ये जो आप देखने जा रहे हो ये बहुत ज्यादा मैसी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एक आईटी कबर्ड है जहाँ पे सारे आईटी के सामान पड़े हैं। वहाँ कुछ लैपटॉप्स पड़े हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप बैग्स है, एक छोटा सा टेबल है, अगर स्पेशल क्लास अगर किसी दिन देना है तो यहाँ पे ये सारा स्टफ पड़ा है, स्पेक्स पड़े हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये क्रोमास है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कीबोर्ड्स वगैरह ये सारी चीज पड़ी, बट मोर इम्पोर्टेंट नाउ दिस इज समथिंग व्हाट यू शुड सी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू रियली कॉल्ड एज बिहाइंड द सीन। यहाँ पे एक ड्रॉवर है, इस ड्रॉवर में बहुत सारा चिल्लर चालर सामान पड़ा है यार, छोटी छोटी केबल्स होती है जिसको हम यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक जगह रखी गई है ताकि यू नो हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक क्रोमा है बेसिकली, तो जहाँ पे मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ उस चेयर के पीछे, तो इतने दिन मेरे लेग में इंजरी थी, तो मुझे यूट्यूब पे अगर लाइव जाना है तो ये वो क्रोमा स्क्रीन है जो मुझे हेल्प करती है यूट्यूब पे लाइव जाने के लिए। सो आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। इट इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, तो आप इसको यहाँ पे रेस कर दो, और इसको आपने रेस कर दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमा स्क्रीन खड़ी हो गई। तो अब मैं जो YouTube के इवेंट्स ले रहा हूँ बैठ के, मैं या स्वाति मैम, वो सभी इवेंट्स आप यहाँ देखते हैं इस तरीके से, इस क्रोमा स्क्रीन के थ्रू होते हैं। तो मुझे बार बार यहाँ पे अलग से क्रोमा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये एक क्रोमा मैंने यहाँ पे खींच लिया है, इसको बाहर लगा लिया है। जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से उसको सिंपली पकड़ लो और उसको पुल डाउन कर दीजिए, और अंदर डाल के इसको इट इज़ लाइक अ सूटकेस, इसको क्लोज कर दीजिए। तो यार कहते हैं ना, हर एक चीज़ करने का एक तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ करने के लिए इतना सब इन्वेस्टमेंट करें, इतना सब तामझाम करें, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वॉट इट रियली टेक्स टू बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर और एन ऑनलाइन एजुकेटर इज नॉट ऑल दिस मच ऑफ स्टफ, नॉट ऑल दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी मिनिमल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ चालू किया जा सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सेम आई डिड, मैंने भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ चालू किया, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज एंड वेन यू ग्रो यू गेट ऑन इवॉल्विंग इन थिंग्स। आप चीज़ें लेते जाते हैं, गैजेट्स लेते जाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंटिंग, जिसको टेक्निकली R&D कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत सस्ता नहीं पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, बट हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करना है कि यार हमको इस लायक बनाना, इस केपेबल बनाना, कि हम ये R&D करते रहे, इस तरीके से चलती रही सारी चीज़ें। आई एम श्योर आप लोगों को स्टूडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक दिन मैंने आपको इंस्टाग्राम लाइव पे ले जाके अनअकैडमी का स्टूडियो दिखाया था, आज मैंने आपको मेरे घर का स्टूडियो दिखाया। यार मेरे लिए ये मेरा मंदिर है, मैं अपने दिन का सबसे ज्यादा समय यहाँ स्पेंड करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, स्वाति मैम ने तो मुझे मेरे कपड़े भी यहाँ दे दिए, करेक्ट, तो सब कुछ यहाँ पे दे दिया, तो मैं अपना दिन का एक मेजर समय यहाँ पे स्पेंड करता हूँ। और आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि वॉट इट रियली फील्स लाइक, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। और बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो आपकी लाइफ में भी एक स्पार्क लगना चाहिए, एक जोश आ जाना चाहिए कि यार बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अगर अंशुल सर ऐसे कर सकते हैं, अंशुल सर मतलब जो कि एक बिल्कुल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, अगर ये ऐसा कर सकता है तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये व्लॉग अच्छा लगा, तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें जो खुशी मिलती है वो शायद किसी चेक से नहीं मिल सकती, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको और मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा वीडियो किसके लाइफ में क्या चेंज लेके आ जाए, किस तरीके से चेंज लेके आ जाए। और ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आपको मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ जोड़ता रहूँगा। अब टाइम हो रहा है मेरी क्लास का, तो मुझे यहाँ से अब ये व्लॉग को बंद करना पड़ेगा। फिर से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक
पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। फिर से होगी मुलाकात अगले ब्लॉक में। गुड डे, शुभ रात्रि।